पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे इसके सारे क्वेश्चन है 1 से लेके 4 तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें देन बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे आए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 5x - 4x का स्क्वायर + 3x। इसका मतलब क्या, देखिए हमें 3 दिए गए हैं, मींस एक बार x की 0 वैल्यू दी गई है, एक बार x की -1 दी गई है और एक बार x की 2 दी गई है। ओके, आपको ये कैलकुलेट करना है किस वाले डिजिट में, इस वाले डिजिट में। मींस कैसे करना, देखिए आपका वैल्यू, आपके पास वैल्यू है 5x - 4x का स्क्वायर + 3, ये वैल्यू फर्स्ट हम लेंगे। देखिए एक बार हम करेंगे x की वैल्यू 0, एक बार करेंगे हम x की वैल्यू -1, एक बार करेंगे x की वैल्यू 2। ओके, पहले क्या करते हैं, 0 करते हैं। ओके, तो 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से, -4 का स्क्वायर भी 0, इस 4 को भी, और प्लस का 3। किसी भी चीज में 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से तो क्या आता है 0, -400 स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3, 0 से 0 करके दिया गया प्लस 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का, मींस जब हमने वैल्यू 0 ली थी। अब हम 5x - 4x का स्क्वायर + 3, अब हम लेंगे -1। ओके, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 4 को भी -1 से ही करेंगे प्लस 3। ओके, 5 वन जा 5, 4 वन जा 4, 3। ओके, 5 प्लस 4 सेम साइन है और माइनस के तो माइनस का 9 आ जाएगा, देन प्लस का 3, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 6। ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। ये हमने जब वैल्यू 0 ली थी, ये जब वैल्यू हमने -1 ली थी। अब हम 2 लेते हैं, जैसे 5x - 4x का स्क्वायर + 3, ये ले लिया। 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से और उसके ऊपर भी स्क्वायर + 3, 5 2 जा 10 - 2 2 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, या फिर आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं इसको, 3 4 4 जा 16 - 10 + 3, ये प्लस का ये प्लस का इनको ऐड करते क्या आएगा 13 - 16, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 3। ओके, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है वो माइनस में आ जाएगा और 16 में से 13 गए तो 3 बचेगा, ये आ जाएगी वैल्यू जब हम 2 डालेंगे x की वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेकंड देखते हैं। अब हमें फाइंड P0, P1, P2 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल, मींस आपको जो ये दिए गए हैं y, t, x, इन सब चीजें क्या लगाएंगे, पहले हम जैसे हमने लिया था ना ये वाला सेम ऐसे लेंगे, उसमें हम जैसे x1, x0, x2 लिया था ना सेम ऐसे ही करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे होगा हमारा। ओके, देखिए पहले हम x या फिर y कुछ भी हो उसकी 0 टर्म लेंगे, फिर 1 लेंगे और फिर 2 लेंगे। ओके, ये कंफर्म हो गया। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है p y इक्वल टू y का स्क्वायर - y + में 1, ये हमारे पास। ओके, p एज इट इज रहेगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 0 लेते हैं हम, इक्वल टू 0 का स्क्वायर - 0 + में 1, ये हो गया। ओके, अब इसको छोड़ते हैं, यहां से करते हैं 0 का स्क्वायर लेते हैं तो 0 आएगा - 0 + में 1, तो आंसर क्या देगा, देखिए 0 में 0 जाएगा तो 0, ये इससे कुछ नहीं माना जाएगा, इससे क्या जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम इसी वाले डिजिट को p y इक्वल टू
y square minus y plus में 1. अब इस by j क्या लेंगे, 1 लेंगे. ओके, by j क्या लेंगे, 1. p 1 equal to 1 का square minus 1 plus 1 equal to 1 का square 1 minus 1 plus 1. माइनस माइनस जीरो हो जाएगा और प्लस वन रह जाएगा. देखिए सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सेपरेशन. अगर आप इसको देखिए ये प्लस का और ये प्लस का, प्लस प्लस करेंगे टू, टू माइनस वन करेंगे कितना आएगा, वन आंसर. इसका क्या आ गया, वन आंसर आ गया. ओके, अब एक्स की वाई की वैल्यू हम क्या लेंगे, टू लेंगे. ओके, अब इसमें देखिए टू लेते हैं. पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस में वन. तो पी की वैल्यू टू ले लिया हमने, मीन्स वाई की टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन. टू टू जा फोर, माइनस टू प्लस वन. फोर में से टू चलेगा तो टू प्लस क्या बचा, वन. और आंसर क्या आ गया, थ्री. ओके, ये वाले सवाल इसका आंसर प्लस वन आया, इसका प्लस वन आया, इसका माइनस सॉरी प्लस थ्री. ओके, तो सारे हो गए. नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं हम. बी पार्ट है हमारे पास पी टी इक्वल टू टू प्लस में टी प्लस में टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. ये ओके, फर्स्ट चीज लेंगे हम जीरो की. जीरो इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो का क्यूब. तो इक्वल टू में टू, प्लस में जीरो रहेगा, प्लस में टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, जीरो. माइनस इसका भी जीरो आ जाएगा. ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए ये जीरो आ जाएगा प्लस जीरो प्लस टू, प्लस प्लस जीरो करेंगे जीरो आएगा प्लस टू. इक्वल टू में इसको इस प्लस करेंगे क्या जाएगा, टू आ जाएगा. ओके, या गया इसका टू. नेक्स्ट देखिए पी टी इक्वल टू टू प्लस में टी प्लस टू टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब. ये अब इसमें वैल्यू लेंगे हम वन. ओके, पी की वैल्यू हमारी वन इक्वल टू में टू प्लस में वन प्लस में टू मल्टीप्लाई में वन का स्क्वायर प्लस वन का क्यूब. ओके, तो टू एज इट इज प्लस वन एज इट इज प्लस टू, टू वन सा टू स्क्वेयर करेंगे क्या आएगा, वन ही आ जाएगा. देन प्लस में वन, यहाँ पे सॉरी माइनस है, माइनस वन. देखिए टू प्लस टू फोर, वन फाइव, फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा हमारा, फोर. ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका. ओके, अब हम लेंगे इसकी वैल्यू टू, मीन्स पी, इसको रेज कर देते हैं. P T equal to 2 plus T plus 2 T का स्क्वायर माइनस 2 3. सॉरी, T की वैल्यू 3 मींस पावर. ओके, अब देखिए T यहाँ पे T, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे. P 2 equal to 2 plus में 2 plus में 2 multiply by 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. ये हो जाएगा. ओके, देखिए टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू टू जा फोर, फोर टू जा एट हो जाएगा. यहाँ पे कैसे देखिए टू 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 जा फोर इक्वल टू में, और टू को थ्री बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट. ओके, ये आ जाएगा. अब यहाँ पे टू प्लस में टू प्लस में टू टू जा टू फोर जा एट माइनस एट, ये हो जाएगा. टू टू जा फोर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर. ओके, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट. पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो आ जाएगी. ओके, अब हम पी की वैल्यू वन लेंगे तो इक्वल टू में वन का क्यूब
वन ही होता है, वन को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो क्या जाएगा, वन ही आएगा, वन मंजा वन, वन मंजा वन। ओके अब हम पी की वैल्यू क्या लेंगे, टू लेंगे, तो टू का क्यूब 8, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया, ये थर्ड का आंसर हो गया। ओके ये हो गया क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट डी पार्ट। ओके पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ओके। अब पी एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, पहले हम जीरो लेंगे, इक्वल टू में जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन। ओके जीरो में से माइनस करेंगे वन क्या जाएगा, जीरो, जीरो प्लस वन करेंगे क्या जाएगा वन, मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को, बीच में कुछ नहीं, साइड से क्या जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्रेस करते हैं वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू क्या जाएगा जीरो आंसर। ओके अब देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का, सॉरी प्लस का होंगे। ओके अब हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, वन माइनस वन वन प्लस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई में टू, क्या आ जाएगा जीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर भी जीरो। ओके अब हम पी एक्स की वैल्यू टू लेंगे, पी एक्स की वैल्यू हमने टू ली, इक्वल टू में एक्स की वैल्यू टू है माइनस वन देन टू प्लस वन, माइनस वन करेंगे तो वन मल्टीप्लाई टू इनको ऐड करेंगे थ्री हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा थ्री वन जा थ्री, ये इसका आंसर आएगा। ओके देखिए हमने इसमें लिया, पहले हमने देखिए हर क्वेश्चन में क्या किया कि जो ये क्वेश्चन है ये नोट किया। ओके और क्वेश्चन ने बोला कि पी एक बार जीरो लेना और पी एक बार वन लेना, पी एक बार टू लेना है, उसके एक्स वेरिएबल कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उसकी पावर हमको पहले जीरो फिर वन फिर टू लेनी है। ओके तो हमने ऐसे किया कि एक्स की पावर पहले हमने जीरो ली, ओके एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हो जाएगा, जीरो माइनस वन करेंगे क्या जाएगा जीरो, जीरो प्लस वन करेंगे क्या जाएगा वन आ जाएगा, तो वन को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा। ओके अब उसमें हमने वन ले लिया, मीन्स पी एक्स की पावर क्या ले लिया हमने वन ले ली, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, वन प्लस वन टू, को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा। अब पी एक्स की वैल्यू हमने टू ले ली, तो टू में से वन माइनस ले तो वन, टू प्लस वन कितना होगा थ्री, थ्री वन जा थ्री, यस होगा क्वेश्चन। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या होगा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल एज शो, मींस आपको क्या करना है, इसमें शो करना है कि ये जीरो के इक्वल है या नहीं ये पॉलीनोमियल जो आपको दे रखा है, और इसमें स्टेटमेंट आपको साथ साथ में इस वैल्यू आपको साथ में दे रखे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी वाई की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि फर्स्ट है पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस में वन, ये आपको क्या दे रखा है सम दे रखा है, और आपको एक्स की वैल्यू साथ में दे रखे है, एक्स की वैल्यू है माइनस वन अपॉन में थ्री। ओके या क्या है प्लस की वैल्यू है, अब देखिए जो पी है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम माइनस वन अपॉन में थ्री एक्स की जगह पे, और यहाँ पे भी थ्री को ब्रैकेट में कर देंगे माइनस वन अपॉन में थ्री प्लस वन, ये कर देंगे थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा माइनस वन प्लस वन, सेम साइन सेम डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या जाएगा आंसर जीरो। ओके फर्स्ट टर्म सॉल्व हो गया, सेकेंड देखिए पी एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव। ओके अब पी एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको फोर अपॉन में फाइव, और फाइव इसकी भी दे देंगे फोर अपॉन में फाइव माइनस फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल हो गया क्या आया आंसर फोर माइनस फाइव, और फोर माइनस फाइव को करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा।
अब देखिए उसने कहा था कि आपको ये प्रूफ करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, आपको ये वैल्यू दी गई है, तो देखिए इट इज अ पॉलिनोमियल क्योंकि जीरो के इक्वल आ रहा है। ओके दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड। सी क्या हमारे पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके पहले आपको एक्स की वैल्यू एक बार वन में निकालनी है, फिर माइनस वन में निकालनी है, देखना कि दोनों के जीरो इक्वल आते हैं या नहीं आते। ओके देखिए कैसे करेंगे, p x की वैल्यू पहले 1 लेते हैं, इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 0 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके d देखिए, पहले इसमें एक सेकंड ये बताना कि माइनस का वन बी इसके इक्वल है या नहीं। अब माइनस का वन करते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब माइनस वन इसकी वैल्यू हो जाएगी पी एक्स की इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, वन बच जाएगा हमारा इक्वल में, मीन्स इसका मतलब क्या आ जाएगा वन माइनस वन, वन में स्क्वायर माइनस होगा जीरो, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है, मींस ये दोनों क्या होगा इक्वल हो गए, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन देन एक्स माइनस टू। अब पहले इसमें वन निकालनी है माइनस वन एक्स की वैल्यू और फिर टू निकालनी है। ओके तो देखिए पी पहले माइनस वन ले लेते हैं, इक्वल टू में माइनस वन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। ओके इक्वल टू में सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सेपरेशन, जीरो मल्टीप्लाई सेम साइन एडिशन लेकिन सेपरेशन का साइन आएगा तो क्या जाएगा माइनस का थ्री, जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते तो सेम वैल्यू वही आ जाती है मीन्स माइनस थ्री आ जाएगी इसकी, तो ये क्या हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीरो के इक्वल सॉरी किसी से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है। ओके तो ये पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। अब हमने p की वैल्यू 2 ले ली, इक्वल टू में माइ 2 प्लस 1 देन 2 माइनस 2 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से क्योंकि 2 में 2 चले गए तो 0, 2 प्लस 1 3 तो क्या आ जाएगा 0, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके ई देखते हैं, ई में एक्स की वैल्यू हमें क्या दी गई है जीरो दी गई है। पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, पी एक्स की वैल्यू जीरो इक्वल टू एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो, तो ऑलरेडी क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, जीरो के इक्वल है, इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके ये हो गया एफ पार्ट देखते हैं। अब एफ पार्ट में हमें एम एल दे रखा है। ओके तो देखिए पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस में एम और हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस एम प्लस में एल, तो पी माइनस एम अपॉन में एल इक्वल टू एल माइनस एम अपॉन में एल प्लस एम,
जीरो से जीरो, सॉरी एल से एल कट हो गया, क्या बचा माइनस का एम प्लस का एम, सेम साइन एडिशन डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, तो वही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा जीरो। तो ये भी क्या हमारा पॉलीनोमियल है, इट इज अ पॉलीनोमियल। ओके अब देखते हैं हम जी और एच, लास्ट है दो, तो पहले करेंगे हम जी फिर उसके बाद करेंगे एच। जी देखिए हमें दे रखा है, देखिए पी एक्स थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और एक्स की पहले हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, फिर हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है। ओके दोनों से सॉल्व करना है, पहले हम करेंगे पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स का स्क्वायर माइनस वन, तो हम पी एक्स की वैल्यू लेंगे पहले माइनस वन अपॉन में क्यूब इक्वल टू थ्री, थ्री ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन में क्यूब के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है रूट चढ़ा हुआ, सॉरी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो क्या कर देंगे हम थ्री माइनस वन अपॉन में थ्री हो जाएगा, क्यों क्योंकि टू से रूट कट जाएगा। ओके तो थ्री से थ्री कट गया माइनस वन हो गया ये यहाँ पे। ओके तो क्या जाएगा माइनस वन, माइनस वन सेम साइन दोनों, तो माइनस टू आ जाएगा, तो इट इज अ नॉट पॉलीनोमियल, इट इज अ नॉट पॉलीनोमियल। ओके अब देखते हैं टू अपॉन में थ्री से, पी की वैल्यू टू अपॉन थ्री का इक्वल टू थ्री, थ्री हो हमारा देखिए ब्रैकेट में टू अपॉन में क्यूब प्लस टू माइनस वन। ओके तो ये ओपन हो जाएगा, टू से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा टू अपॉन में थ्री, ओके और माइनस वन, तो क्या आ जाएगा थ्री से थ्री कट हो जाएगा, टू बचेगा, टू में से वन चले गए तो क्या बचेगा हमारा जीरो, बन गए तो वन बचेगा हमारा, तो ये भी क्या हमारा पॉलीगन नहीं है, मींस इसमें से ये क्या है ये जो लास्ट वाला डिजिट है पॉलीगन ही है। अगर हम एक बार देखिए दोबारा से करते हैं माइनस वन अपॉन थ्री से, ओके इससे करेंगे कैसे हो जाएगा थ्री माइनस वन अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में वन। ओके ये हो जाएगा हमारा क्या होगा जो, तो हमारा ऊपर वाला साइन ही चेंज होगा ना, वन मल्टीप्लाई में वन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन से वन कट जाएगा, मीन्स थ्री रूट सॉरी थ्री ब्रैकेट वन अपॉन में रूट थ्री हो जाए, रूट हट जाएगा तो थ्री हो जाएगा ये। ओके तो माइनस वन बचेगा, थ्री से थ्री कट गया, वन में से वन चले गए तो जीरो, तो ये इट इज अ पॉलीगन, मीन्स इसमें से ये वाला तो पॉलीगन है और ये नॉट पॉलीगन है। ओके नॉट पॉलीगन का आंसर जीरो सॉरी वन आएगा और पॉलीगन का जीरो आएगा, इट इज अ पॉलीनोमियल। ओके अब देखते हैं एच पार्ट, लास्ट है हमारा है क्वेश्चन नंबर थ्री का। एच पार्ट पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, अब देखिए x की पावर हमें वन अपॉन में टू दी गई है, तो p x की पावर वन अपॉन में टू इक्वल टू टू वन अपॉन में टू प्लस वन, ये हो जाएगी हमारी क्योंकि हमें वन दी गई है, तो टू से टू कट हो जाएगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, और ये पॉलीगन नहीं है सॉरी पॉलीनोमियल नहीं है, इट इज अ नॉट पॉलीगन। ओके ये पॉली यानी क्योंकि जीरो के इक्वल आ ही नहीं रहा है, इसलिए टू आ रहा है इसलिए नहीं है। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, अब हमें करना है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मींस आपको इसमें क्या करना है कि फाइंड करना है जीरो, आपको ऐसी वैल्यू लेनी होगी जब अगर आप इसको सम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो, मींस इसका मतलब क्या है जैसे आपने ये ली थी ना टर्म्स कि अगर इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम जीरो आ जाएगा, ऐसे हम इसमें करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे जीरो आएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कि x इक्वल टू x प्लस 5। अब x प्लस 5 के इक्वल में हम कर देंगे 0। ओके तो क्या होगा, x को हम इधर रहने देंगे इक्वल टू में 0, यहां माइनस 5 है तो यहां पे चले जाएगा। ओके और माइनस 5 में से करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी माइनस 5। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करना है, इसमें बताना है कि अगर हम ये वाले डिजिट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। ओके अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास p x इक्वल टू 3x माइनस 2। ओके x की वैल्यू देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास 3x है ओके और इक्वल टू में कर देते हैं हम 0 इसके, तो हम क्या करेंगे 3x को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू में 0 प्लस में 2 कर देंगे। ओके 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, 3x और इस x को इधर रहने देंगे, इक्वल टू में कर देंगे 2 अपॉन में 3। तो अगर हम x की वैल्यू ये रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3। सॉरी d पार्ट था जो यहाँ पे d पार्ट है। ओके ये x की वैल्यू क्या जाएगी 2 अपॉन में 3। अब देखिए b, वहां पे b करते हैं हम, b पार्ट p x इक्वल टू x माइनस 5, ये वैल्यू ऑफ x। ओके तो हम क्या करेंगे p x की वैल्यू क्या लेंगे, हम x वैल्यू एज इट इज ले लेंगे, इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। तो जो माइनस x इक्वल टू में 0, जो माइनस इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, मींस x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये वाला सम क्या आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके अब नेक्स्ट देखिए c पार्ट, px इक्वल टू 2x प्लस में 5 और इक्वल टू हम क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ओके तो 2x को हम यही रहने देंगे, इक्वल टू में 0 माइनस 5 कर देंगे। ओके अब माइनस 5 पे माइनस 5 हो जाएगा और यहां बचेगा x, तो इस 2 को हम क्या ले लेंगे अपॉन में ले जाएंगे, यहां ये मल्टीप्लाई के था इधर आके डिवाइड का हो गया, तो x की वैल्यू हो गई माइनस 5 अपॉन में 2। ओके अब देखते हैं डी हो गया हमारा, ई पार्ट देखते हैं, ओके ई पार्ट देखिए पी एक्स इक्वल टू 3x के बस और इक्वल टू में हम 0 ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू में 0, यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में से अपॉन में आ जाएगा 3। ओके और 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से हमने 3 को डिवाइड किया तो 3 0 3 सा 0 ही होता है, इसीलिए इसका कर देंगे हम 0 कर देंगे तो एक आंसर क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। ओके अब देखते हैं लास्ट एफ पार्ट है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और ए किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स ए एक्स इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। ओके अब एक्स को हम इधर रहने देंगे और ए अपॉन 0 अपॉन में क्या कर देंगे ए, क्योंकि ए यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड में होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 अपॉन में ए। अगर आप इसको ये टर्म डालोगे तो क्या जाएगा आंसर क्या जाएगा, इसका मतलब क्या, अभी हम कैसे कह रहे हैं कि ये टर्म डालेंगे तो क्या जाएगा, कैसे ये देखिए जो हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है, अभी हमने क्या लिया ये लिया, ये आंसर आया हमारा 0। ओके तो हम इसको इरेज कर देते हैं, अब हम करेंगे हमें हमारे पास ये टर्म दी गई है पी एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे 0 इक्वल टू में 3x की वैल्यू क्या डाल देंगे 0। अब आपको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा 0, तो आंसर तो वही आया, बस आपको इसमें ये फाइंड, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना था ये, पहले इसमें फाइंड करना था ये चीज मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड में, और फोर्थ में आपको फाइंड करनी है ये वाली चीज। ओके जैसे कि हमने क्या था ए पार्ट देखिए ए पार्ट क्या था, हमने पी एक्स की वैल्यू इक्वल टू एक्स प्लस में 5 है। ओके अब इक्वल टू में हम एक 0 ले लेंगे जिससे कि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सके। ओके एक्स इक्वल टू में 0, यहाँ पे प्लस का था 5, इधर आके माइनस का हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस 5। अब देखिए जब हम पी एक्स की वैल्यू माइनस 5 डालेंगे तो माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू, देखिए सेम साइन एडिशन डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया इक्वल किसके
जीरो के आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में हमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। ओके माइनस दे रखा है, अब इसको सेम ऐसे करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस का फाइव आता है यहाँ पे। ओके प्लस का फाइव आता है तो हम पी एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे, प्लस का फाइव इक्वल टू फाइव माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव चलेगा तो क्या जाएगा जीरो, और ये जीरो के इक्वल आ गया। आपको इसमें ये बताना था, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताना था कि आपको ये वाली टर्म दी गई है और आपको बताना है कि ये जीरो के इक्वल है या नहीं। ओके अभी सी का जैसे कि बी पार्ट हो गया, सी पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव और इक्वल टू हम जीरो में इक्वल टू जीरो ले लेते हैं अपनी तरफ से। ओके अब टू एक्स इधर ही रहेगा इक्वल टू में फाइव या प्लस का इधर आके माइनस का फाइव हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन में टू हो जाएगा। अब हम जो पी एक्स की वैल्यू है माइनस फाइव अपॉन में टू डालेंगे, मीन्स पी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस फाइव अपॉन में टू हो जाएगी। ओके तो टू को किससे मल्टीप्लाई करें, जो ये है माइनस फाइव अपॉन में टू, तो टू से टू करके क्या बचेगा माइनस फाइव और प्लस का फाइव, तो क्या हो जाएगा सेम साइन एडिशन डिफरेंस साइन सबट्रैक्शन, तक आंसर क्या जाएगा जीरो। ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरह करके दिखाया, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था